हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिस्वा व्लॉग्स। तो आज है ईद का सेकंड डे और आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ कि ईद का मेकअप कैसा होना चाहिए। बहुत इजी होगा, बहुत ही नेचुरल होगा क्योंकि गर्मी है, समर है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेकअप की तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑब्वियसली सेटिंग होती है पसीने से, फिर वो सारा ख़राब हो जाता है, बहुत गंदी सी लुक आती है। तो मेकअप आप ऐसा करें जो कि बहुत लाइट और नेचुरल लगे ताकि पूरा डे जो है वो स्टेबल रहे, आपका फेस भी फ्रेश लगे और आप भी फ्रेश लगे। तो आपने इजी स्टेप्स है फॉलो करना है तो बहुत ही एक अच्छी लुक आप अचीव कर सकेंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेकअप ट्यूटोरियल, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को करना है प्रेप, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप होता है स्किन का। तो चूँकि समर्स हैं, आप अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं। और मैं आजकल, चूँकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मैं आजकल और कुछ यूज़ नहीं करती। मैं यूज़ करती हूँ फेयर एंड लवली, जो कि बहुत ही एक नेचुरल आपको लुक देती है और सारा दिन आपका मेकअप जो है उसको स्टे कराती है। तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और उसको अपने फेस पे करना है अप्लाई। देखें, क्रीम अप्लाई करते ही आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। आप कुछ भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को करता है सूट अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। ओके, इसके फौरन बाद मैं अप्लाई करूंगी अपनी फाउंडेशन। तो अगेन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन। मैं यूज़ करती हूँ आज का डर्मापॉल क्योंकि बिकॉज समर में ये मेरी स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी आप यूज़ करें, कोशिश करें अंडर एरिया, अंडर आई एरिया, अपने चीक्स पे, चिन एंड बस ये इनफ होती है फाउंडेशन क्वांटिटी। इसको हम करेंगे स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड अच्छे से। तो गाइज आप देख सकते हैं फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो गई है। अपने नेक एरिया को भी ज़रूर कवर कीजिए क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हुदा ब्यूटी का लूज पाउडर। इसको आप अच्छे से यूज़ कर, इसका नंबर है 22। तो इससे फाउंडेशन बहुत ही अच्छा सेट हो जाता है। तो इसको ब्रश की मदद से आप लगाएं, ये बहुत लाइट कवरेज देता है आपकी स्किन को, बहुत केकी नहीं कर देता है। हाँ, तो नेक्स्ट गाइस मैं अपने ब्रोज को कलर करने वाली हूँ, शेड करने वाली हूँ और ये है डूडू गर्ल की किट, आईब्रो किट। इससे मैं अच्छे से अपने आईब्रोज को करूंगी फिलअप। अगेन ये आपकी चॉइस है कि आप कितना और कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट आईब्रोज मेरे ख्याल से तो उतना शेड करें कि वो नेचुरल लुक दें, ना कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कर लें। डन। तो गाइस नेक्स्ट है आई शेड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल। तो आई शेड्स अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आई शेड्स मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे ये वाले, तो ये हैं मिडनाइट मॉस। तो ये बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ आज ये, क्योंकि ये थोड़ा पर्पलिश है, मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। तो इसको मैं अभी अप्लाई करूँगी। मैं अपनी फिंगर्स यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही लाइट यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी अगेन, क्योंकि इट्स समर टाइम, सो आपको बहुत ही नेचुरल लुक रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है। तो गाइस ये हाइलाइटर के लिए, अपनी ब्रो बोन्स को हाईलाइट करने के लिए आप कोई भी लाइट सा गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, और फिर उसको अच्छे से अपनी फिंगर्स के साथ या ब्रश की मदद से, जैसे आपको इजी लगता है, आप अपने आई शेड के साथ इसको करें ब्लेंड। आई शेड्स को हमेशा ब्लेंड कीजिए अच्छे से। एंड दैट्स इट। तो नेक्स्ट आईज मैं करने वाली हूँ अपनी आंखों पे आई लाइनर, जो कि है बहुत ही मेन पार्ट ऑफ योर आईज। तो नेक्स्ट का मैं आई लाइनर यूज कर रही हूँ ब्लैक, और इसको ब्रश की मदद से आप अप्लाई करें आईज के जितना करीब आए, लिड के जितना करीब होगा उतना ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। आज चूंकि मैंने थोड़ा देसी स्टाइल ड्रेस पहना है, तो मैं आज रिंग भी अप्लाई करूंगी अपनी आईज पे, तो आप देखें कैसे होता है ये अप्लाई। एंड दैट्स इट। इस तरह इजी करके आप अच्छे से अपना लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। सी तो गाइस आई लाइनर अप्लाई हो गया दोनों आईज पे, तो मैं बस इसको हल्का सा ब्लेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि ये समर्स की वजह से काजल जो है वो जल्दी फैल जाता है, तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं ऑन योर आईज। मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ। तो गाइस आईज के मेकअप के बाद मैं करने वाली हूँ लैशेस को कर्ल। एंड साथ ही करूंगी मैं अप्लाई मस्कारा। ये यानकीना का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत चीप मैंने ऑनलाइन बाय किया था दराज से, आप भी कर सकते हैं। आपको शायद इस मेकअप में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं तो डेली करती हूँ, तो मैं थोड़ा हम इसको बाद में सेटल डाउन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है जी सबका इम्पोर्टेंट और सबका फेवरेट ब्लश ऑन। ये बहुत मजे का पैलेट है, ये तीनों शिमरी शेड्स हैं, इसके लिए आपको अलग से हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना पड़ता, तो मैं इन तीनों को अप्लाई करूंगी ऑन माय फेस। आप देख सकते हैं इस ब्लश ऑन में ग्लिटर्स हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका स्किन जो है वो करेगी ग्लो, तो आपको अलग से हाइलाइटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स इट। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है लिपस्टिक आपकी, तो मैं पहले अप्लाई करूंगी लिप लाइनर बाय एटीट्यूड।
इसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट शेड जो आपको लग रहा है आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है आप वो कर सकते हैं अप्लाई। मैं करने वाली हूँ बहुत ही एक लाइट शेड क्योंकि मेरी आईज बहुत हैवी हैं, तो मैं शेड करूँगी लाइट अप्लाई। दिस इज बाय MUK। लिपस्टिक अप्लाई हो गई एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लास्ट स्टेप जो है वो है मेकअप फिक्सर का। ये मिस रोज का मेकअप फिक्सर है, इसको जब आप फुल कंप्लीट डन हो जाए उसके बाद बस अपना आईज क्लोज करें और इसको बस दो तीन स्प्रेज एंड यू आर डन एंड ड्राई होने दें एंड योर मेकअप इज ऑल डन। तो अभी मैं आपको अपनी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ इन अ वाइल। सो गाइज आज का ट्यूटोरियल यही तक था और ये है मेरी कंप्लीट लुक, आप देख सकते हैं विद ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड विद माय कुस्ता। तो आज की लुक है थोड़ी ट्रेडिशनल, आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आई होप आपको मेरे मेकअप ट्यूटोरियल से थोड़ी बहुत हेल्प और टिप्स मिली होंगी। तो अभी का ट्यूटोरियल यहीं तक था और ब्लॉग भी अभी एंड कर रहे हैं, तो अभी आपको शाम में फिर किसी नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो टिल दैट स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।